अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ रेहान खान और इस वक्त आप देख रहे हैं MS Weapon। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दो पिस्टल मौजूद है, एक 9 mm जिगाना और दूसरा 30 बोर चैना। दोस्तों, अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि 9 mm और 30 बोर के पावर में कोई फ़र्क है, इनके इफेक्ट और रेंज में कोई फ़र्क है। तो इसके ऊपर हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप ख़ुद भी चेक करें कि इनके इफेक्ट और रेंज में कोई फ़र्क है, और हम ख़ुद भी देख लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। हमने फ्लाई बोर्ड के 8 पीसेस काटे हुए और लगाए हुए हैं, और हम ये आपको गिन के दिखा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके ऊपर अभी हम फायर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे, और इसका इफ़ेक्ट और रेंज का भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अक्सर दोस्त कमेंट में पूछते हैं कि इनके रेंज में कोई फ़र्क है, इनके डिज़ाइन में और पिस्टल के डिज़ाइन में, उसमें तो फ़र्क लाजमी है, और इसका इफेक्टिव पावर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, हम टारगेट के 3 मीटर के फासले पर बैठे हैं, और पहले हम 30 बोर चाइना के पिस्टल से फायर करेंगे। ये लोडेड है, अभी हम पहले 30 बोर पे फायर करेंगे। पहले हमने 30 बोर का फायर किया और आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं और चेक करते हैं टारगेट को। आप लोग देख रहे हैं कि इस फ्लाई बोर्डों में से राउंड निकल गया है। और ये 8 के 8 फ्लाई बोर्डों से राउंड निकले हैं और दीवार को हिट किया हुआ। ये निशान आप देख रहे हैं। अभी 9 mm जिगाना पे हम फायर करेंगे। हमने 9 mm पे भी फायर कर दिया, और ये टारगेट आपको चेक करा रहे हैं। ये जो नीचे राउंड हेट हुआ था, ये 30 बोर पे हुआ था, और ऊपर जो राउंड हेट हुआ है वो 9 mm पे, और इसका राउंड भी 8 ही फ्लाई बोर्डों से निकला हुआ है। और ये भी दीवार पे हेट हुआ है। ये होल आप चेक कर सकते हैं, जो ऊपर वाला होल बना हुआ है ये 9 mm का है, और नीचे जो होल बना हुआ है ये 30 बोर का है। 9 mm को होल में वाज़े फ़र्क है, वो काफ़ी बड़ा होल बना हुआ है। इस तरह मज़ीद अच्छी वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम।